एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास टेंथ सामाजिक विज्ञान का एक से लेकर के पांच पार्ट तक का सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में 100% पक्का आएगा। क्योंकि जितने भी हम यहाँ पे बहुविकल्पी क्वेश्चन लिए हुए हैं, सभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल आता है। तो अगर आप लोग हमारे चैनल से क्लास टेंथ की तैयारी करेंगे तो आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम में 90% से भी अधिक नंबर लाएंगे, ठीक है। अगर आप लोग इस तरह से हमारे चैनल से सामाजिक विज्ञान की पूरी तैयारी करेंगे, ठीक है, तो आपका बोर्ड एग्ज़ाम में सामाजिक विज्ञान में 70 में 70 पूरा नंबर बिल्कुल पक्का है। तो यहाँ पे देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट ये वीडियो आप सभी क्लास टेंथ के स्टूडेंट के लिए। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखिएगा। हम आप सभी को यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताने वाले। तो यहाँ पे देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ, ठीक है। यानी जो राष्ट्रवाद था, जो कि हम आप सभी को बताएं कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन अगर आप सभी लोग नहीं देखें, ठीक है, तो हमने सामाजिक विज्ञान क्लास टेंथ के कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो बनाए। आप लोग तुरंत हमारे चैनल पर जाइए और उन सभी वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है, जिससे ये वाला आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था, तो यहाँ पे जो राष्ट्रवाद है, ठीक है, इसका सर्वप्रथम प्रारंभ जो हुआ था वो फ्रांस से हुआ था। तो ऑप्शन यानी कि यहाँ पे चौथा राइट है, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा राइट है, फ्रांस, यानी चौथा ऑप्शन राइट है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने हमने क्वेश्चन लिए हैं समझ जाइए आपकी बोर्ड एग्जाम में 10 बार से भी अधिक बार आया हुआ है, ठीक है। आप लोग बोर्ड एग्जाम के कोई भी पेपर को उठाकर देखेंगे तो ये बहुविकल्पी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर रहेंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पिछले 10 सालों से आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार आ रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए कई ऑप्शन दिए हुए, जैसे प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है, चोरी चौरा की घटना, और उसके बाद यहाँ पे रोलेट एक्ट, इसके अलावा यहाँ पे दिया हुआ है खिलाफत आंदोलन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा राइट होगा, यानी कि रोलेट एक्ट, ठीक है। यहाँ पे असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, रोलेट एक्ट था, तो यहाँ पे ऑप्शन तीसरा राइट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले कि हम आप सभी को बता दें कि हमारे चैनल पे क्लास टेंथ की, ठीक है, संपूर्ण सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है। अगर आप लोग अभी तक हमारे सभी वीडियो क्लास टेंथ के नहीं देखे तो आप लोग तुरंत देखिए और हमारे चैनल से आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। आपका 95% से भी ऊपर नंबर आएगा, ये मेरी 100% गारंटी है। तो आप लोग अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग जल्दी से कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको फ्री में नोट्स और PDF मिलेंगे, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिला, ठीक है, दिया गया है। आप लोग वहाँ से जाकर के तुरंत हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1929, ऑप्शन नंबर 1929 यानी डी राइट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे चौथा, कि भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, ठीक है, भारत में कई प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो सबसे उसमें उपजाऊ मिट्टी कौन सा, तो यहाँ पे कई ऑप्शन दिए हुए, जैसे जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, पर्वतीय मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर पहला राइट है, जो जलोढ़ मिट्टी है, इसमें सभी प्रकार की खेती आसान तरीके से हो जाती है और काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाती है, ठीक है, इसलिए जो जलोढ़ मिट्टी है ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे उपजाऊ मिट्टी है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है पाँचवा क्वेश्चन। इससे पहले कि हम आप सभी को बता दें कि अगर आपको इसी तरह से क्लास टेंथ विज्ञान के इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी कल ही अपलोड किए, आप लोग तुरंत जाइए वीडियो को देखिए। और हिंदी की वीडियो अभी सुबह अपलोड हुआ है, आप लोग अगर उस वीडियो को नहीं देखे हो तो आप लोग जल्दी से उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि लाल पीली मिट्टी पाई जाती है,
ठीक है, तो यहाँ पे ढक्कन के पठार या थार के रेगिस्तान, मालवा प्रदेश या ब्रह्मपुत्र घाटी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा राइट है, यानी मालवा प्रदेश में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है छठवां, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा आता है, और 100% हम गारंटी दे रहे हैं कि जितने भी हम यहाँ पे आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन बताएंगे वो आपके बोर्ड एग्जाम में गारंटी है कि ज़रूर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट है कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे देखिए असम, पश्चिम बंगाल, ठीक है, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे देखिए छठवें का ऑप्शन नंबर यहाँ पे पश्चिम बंगाल यानी ऑप्शन बी राइट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और हम आप सभी को बता दें कि हम जितने भी क्वेश्चन आपको बताएंगे और कोई भी सब्जेक्ट का सभी आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, और आप लोग किसी भी चैनल से स्टडी करोगे तो उसकी गारंटी नहीं रहेगी, लेकिन हमारे चैनल से अगर आप लोग स्टडी करते हो तो 100% गारंटी की सभी क्वेश्चन आने की संभावना रहेगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग स्टडी करिए अभी से ही, और आप लोग हमारे चैनल से पढ़ करके एक टॉपर स्टूडेंट बन जाइए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन देखिए, ये आपका जो मैप होते हैं ना मानचित्र, उसमें भी ये सब क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आपको मानचित्र में भी काम आएंगे, यानी यहाँ पे आपको दो बेनिफिट होंगे इस क्वेश्चन को अगर आप लोग तैयार कर लेते हो। अगर आप सभी को मानचित्र कैसे भरा जाता है, मानचित्र से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो चाहिए, तो आप लोग एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, हम आप सभी को तुरंत वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। अगर आपकी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएगी तो हम उसी दिन आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। और हाँ, हम आप सभी को बता दें कि आप लोग इस वीडियो पे कम से कम आप लोग 50 लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, यानी आप लोग अपने फ्रेंडों में व्हाट्सएप ग्रुप पे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप लोग जितने अच्छे से इस वीडियो को देखोगे, ठीक है, आप लोग अपने प्यार और सपोर्ट दोगे, हम आपको उतनी ही अच्छी अच्छी क्लास टेंथ की वीडियो लाएंगे, जिसे पढ़ करके आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही आसान तरीके से 95% से भी अधिक नंबर लाकर एक टॉपर स्टूडेंट बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, तो वो कौन सा है, मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन बी राइट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आठवां, कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर निर्मित है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका मैप से रिलेटेड है, यानी ये मानचित्र में आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे रिहंद बांध, ठीक है, रिहंद, दामोदर और महानदी कृष्णा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन रहेगा यहाँ पे सी, यानी महानदी जो है वो हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो हीराकुंड परियोजना कहाँ पर स्थित है, महानदी पर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नौवां, कि टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हम कह रहे हैं कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, मानचित्र में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो टिहरी बांध है वो यहाँ पे भागीरथी एवं भिलंगना, ठीक है, भागीरथी एवं भिलंगना नदी पे बनाए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है दसवां क्वेश्चन, कि हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दसवां यानी उड़ीसा, उड़ीसा राज्य में जो हीराकुंड राज्य में हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति संबंधित है, यानी श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। ठीक है, दुग्ध उत्पादन से या दलहन उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से या सभी से। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट राइट है, यानी दूध किस कलर का होता है, श्वेत रंग का, सफ़ेद होता है, तो इसलिए श्वेत क्रांति जो है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, और हम आप सभी को बता दें कि इससे पहले मैंने सामाजिक विज्ञान के इम्पॉर्टेंट की वीडियो अभी परसों ही अपलोड किया है। ठीक है, 2 दिन हो रहे हैं, आप लोग जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए, और जितने भी उसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बताया है सभी को आप लोग जल्दी से तैयार कर लो। ठीक है, क्योंकि समय अब बहुत ही कम है, आप लोग जितना ही रेस्ट करोगे उतना ही आप सभी लोगों के लिए हार्मफुल होगा, तो इसलिए आप लोग अब से ही बहुत ही कड़ी और ज़्यादा हार्डवर्क कीजिए और स्मार्ट तरीके से स्टडी कीजिए और आप लोग एक टॉपर स्टूडेंट बनिए। ठीक है, कौन सा जूट उत्पादक राज्य है। ठीक है, पश्चिम बंगाल, केरल, ठीक है, गुजरात या राजस्थान, यानी इस चारों में से कोई एक है। तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा जूट उत्पाद करता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट वाला राइट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां है, कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में गेहूं सर्वाधिक पैदा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान,
तो ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दूसरा, यानी उत्तर प्रदेश में गेहूं की खेती होती है। ठीक है, अगर यहाँ पे चावल पूछ दिया जाएगा तो वो पंजाब में होता है। ठीक है, ये भी आप लोग तैयार रखो। नेक्स्ट है 14वां क्वेश्चन की बॉक्साइट अयस्क है, किसका अयस्क बॉक्साइट है, तो यहाँ पे शीशे का है, ठीक है, या तांबे का है, अभ्रक का है कि एल्यूमिनियम का है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट होगा, एल्यूमिनियम का बॉक्साइट अयस्क है। नेक्स्ट यहाँ पे 15वां और लास्ट और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रानीगंज कोयले की खान स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, ऑप्शन यहाँ पे बी वाला राइट होगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज कोयले की खान स्थित है। तो ये रहे 15 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 1 से 5 पार्ट तक के थे। तो आप लोग इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में जो बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे वो 12 नंबर के आते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग बहुविकल्पी क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे तो आपका 12 नंबर छूट जाएगा, क्योंकि जो बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं उसमें आपके कन्फर्म नंबर होते हैं, यानी आप एक सही करोगे तो एक नंबर आपको मिलेगा, अगर गलत करोगे तो 0 मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा याद करेंगे, डेली आप लोग 10 बहुविकल्पी क्वेश्चन को तैयार करेंगे, तभी सभी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर पाओगे। ठीक है, तो ये हो गए सभी इंपॉर्टेंट सामाजिक विज्ञान के। अगर आपको इसी तरह से और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस के बहुविकल्पी क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। क्लास 10th के आल सब्जेक्ट की स्टडी हमारे चैनल पर कराई जा रही है, आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप लोग ज़रूर एक बार कमेंट करें, हम आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, और कमेंट करना तो आप लोग बिल्कुल भी ना भूलिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।